हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तौफिक और आप देख रहे हैं टेक्निकल तौफिक चैनल। चलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओबली वाइट वीपीएन एप्लीकेशन के बारे में। जो दोस्तों एप्लीकेशन क्या है, इस एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल के अंदर किस प्रकार से यूज़ कर सकते हो, इसी के बारे में दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो का अभी तक जरूर देखना, और वीडियो कभी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो कर देना लाइक और चैनल कर देना सब्सक्राइब। जी हाँ दोस्तों, इस एप्लीकेशन का पूरी प्रॉपर तरीके से किस प्रकार से यूज़ कर सकते हो और किस प्रकार से यहाँ पर आप वीपीएन को कनेक्ट कर सकते हो, पूरी जानकारी इसी वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूँ। सबसे पहले क्या करना है, एप्लीकेशन को यहाँ से आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा वेट कर लेना, एप्लीकेशन को यहाँ पर आपको पूरी प्रॉपर तरीके से ओपन होने देना है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको इंटरफेस दिखाई देना, तो यहाँ पर हम एप्लीकेशन का ओपन होने का थोड़ा सा वेट कर लेते। एप्लीकेशन का होम पेज कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हो तो ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको फास्ट सर्वर यानी कि वीपीएन सर्वर का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। ऊपर की तरफ सेटिंग्स का भी यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, और नीचे की तरफ दोस्तों यहाँ पर आपको एक बड़ा सा होम बटन मिल जाता है कनेक्ट का। इस पर अगर आप क्लिक करते हो तो आपका वीपीएन ऑटोमेटिकली भी कनेक्ट हो जाता है। और अगर दोस्तों अगर आपको सर्वर सिलेक्ट करके कनेक्ट करना था, उसके लिए यहां पर आपको जो फास्ट सर्वर का ऑप्शन आ जाता है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर आपको कुछ सर्वर से मिल जाते हैं, जैसे कि फास्ट सर्वर यहां पर आपको 3 मिल जाते हैं, एक अननोन सर्वर यहां पर आपको मिल जाता है। जो भी सर्वर को यहां पर आप सिलेक्ट करना चाहते हो, सिलेक्ट करके यहां पर आप कनेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने यहां पर इसे मेरा नाम प्रदीप मौरित्रा है, मैं लातूर महाराष्ट्र में रहता हूं। तो दोस्तों यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी सर्वर पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर आपको वेट कर लेना। यहाँ पर मैं 8 को हटा करके बता देता हूँ। 8 को हटाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, थोड़ा सा यहाँ पर आपको वेट कर लेना। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आ जाता है ऑलवेज अलाउ का, तो इस पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपकी कनेक्टिंग स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पर आपको सिंपली कुछ सेकेंड का दोस्तों यहाँ पर आपको वेट कर लेना है, और आपका वीपीएन यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। मेरा वीपीएन ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है, देख सकते हो ऊपर की तरफ मेरा लोगो यहाँ पर आ चुका है वीपीएन का, और मेरा वीपीएन यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। देख सकते हो दोस्तों रिजल्ट मेरा आ चुका है, कनेक्टेड सक्सेसफुली मेरा यहाँ पर हो चुका है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आप वीपीएन सर्वर को कनेक्ट कर सकते हो। डिसकनेक्ट करना, जो स्टॉप का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक कर देना है, आपका वीपीएन डिसकनेक्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपको ओबली वाइट वीपीएन एप्लीकेशन की पूरी A to Z सेटिंग्स, A to Z जानकारी मैंने यहाँ पर आपको बता दी कि किस प्रकार से यहाँ पर आप वीपीएन को कनेक्ट कर सकते हो। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर देना लाइक और चैनल कर देना।